हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग जा रहे हैं चर्च ऑन क्रिसमस डे, तो लेट्स गो। बैंगलोर में बहुत सारे अच्छे अच्छे चर्च हैं, तो हम लोग जा रहे हैं इन्फेंट जीसस श्राइन चर्च। तो देखते हैं अंदर से कैसा है। तो हम लोग इंटर कर रहे हैं, अंदर में पार्किंग भी था तो हमने कार पार्क किया। उसके बाद अंदर आ गए तो सब जगह लाइट लगा हुआ है, आप देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है। काफी भीड़ भी थी, बट यहाँ पे एक लॉक था एक चर्च, बट ये वाला चर्च खुला था तो सब लोग यहाँ पे कैंडल जला रहे थे तो हमने भी कैंडल जलाया। तो चलिए फिर कैंडल जलाते हैं। हमने कैंडल जलाया और जीसस से प्रे भी किया और थोड़े देर वहाँ पे रुके और फिर बाहर आके डिसाइड किया कि लेट्स गो टू अदर चर्च। चर्च को बहुत सुंदर से डेकोरेट किया गया था, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स उन्होंने यूज किया था डेकोरेशन के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स, क्लोथ्स, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटेड क्लोथ्स, झूमर, तो काफी सुंदर दिख रहा था। बहुत अच्छा लाइटिंग यूज किया गया था और बाहर में ऐसा कुछ लगा था, फेथ, पीस, लव, ऐसा स्टोरी टाइप का दिखाया गया था। तो हमने यहाँ पे पिक्चर्स लिए और फिर काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, लाइव लग रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू अदर चर्च, वो भी वन ऑफ द बेस्ट चर्च है बैंगलोर का, संत पैट्रिक चर्च। तो फिर लेट्स गो। इस चर्च से सेंट पैट्रिक चर्च आने में 10 मिनट लगा हमें, तो लेट्स गो इनसाइड और लेट्स सी हाउ दे हैव डेकोरेटेड द चर्च। तो बाहर से ही ये लोग काफी ज्यादा लाइट्स लगाए हैं, आप देख सकते हो लाइट ही लाइट है। तो फिर हम लोग अंदर गए और थोड़ी देर बैठे, बहुत लोग यहाँ बैठे हुए थे शांति से और प्रे कर रहे थे। इस चर्च के बाहर भी इन्होंने जीसस क्राइस्ट का स्टोरी टाइप का दिखाया है। तो फिर यहाँ पे हमने पिक्चर्स लिया और फिर वापस बैक टू होम। तो हम लोग अब घर जा रहे हैं और घर आके हमने केक काटा और केक खाया। तो लेट्स एंजॉय द केक।